दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि रोग की पहचान मुख्यतः रूप से कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज हम पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ी भूल जो हम करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, वो भूल इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से हम अपने शरीर के भयानक से भयानक परेशानियों से हम गुजर जाते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस में डायग्नोस एक ऐसा पार्ट है रोग की पहचान, जो सबसे पहला स्टेप या प्रथम चरण में आता है। अगर किसी बीमारी को पहचान कर लिया जाए तो उसका इलाज बिल्कुल सरल हो जाता है। उसका इलाज फिर आप नॉर्मल सी नॉर्मल मेडिसिन या कोई भी योगा उपचार है उसके लिए कोई भी आप नेचुरोपैथी का उपचार ले सकते हैं, तो बहुत जल्दी और जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर रोग की पहचान ना हो तो हम बहुत भटक जाते हैं अपनी लाइफ में, इस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास, लेकिन रोग का पता नहीं लगता है। ऐसी ही कई बीमारियां हैं और लाखों क्या करोड़ों लोग इस भूल को कर रहे हैं। वो भूल कौन सी है मैं आपको बताना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमें नॉर्मल सिर दर्द हो जाता है तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पहले नहीं जाते हैं। हम जाते हैं उनके पास, बोलते हैं सर सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवाई दीजिए। सिर दर्द हो रहा है, वो सिर दर्द की दवाई देते हैं, जो कि हमने क्या किया ना, तो हमने इसमें डायग्नोसिस की। विदाउट डायग्नोसिस के हम मेडिसिन लेके खा जाते, रिलीफ हो जाता है, आगे के लिए हम फिर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात चीज बताना चाहूंगा कि डायग्नोसिस के मामले में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बहुत बड़ी जीत हासिल की है, या बहुत गुड पैटर्न्स इसमें आपको मिलता है। जैसे किसी गाड़ी के फंक्शन में, उदाहरण देता हूं मैं गाड़ी का आपको, कि किसी गाड़ी जब चलती है तो उसके फंक्शन के लिए कितने पुर्जे लगे होते हैं, कितने उसके वे बनाए जाते हैं, कहीं डीजल टैंक्स है, ये लाइट के लिए वायर है, ये ऐसा है सिस्टम, ये ऐसा है। ऐसा ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है और इसके लिए कई सिस्टम्स इस बॉडी में लगे हुए हैं। तो उन सिस्टम्स को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मेरिडियंस होती हैं जिनको वे ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का पथ प्रवाह। दोस्तों, मैं एक स्टेथो से आपको मैं बताता हूं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें हम बात करेंगे। ये देखिए, जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं ये सारी मेरिडियंस लाइंस हैं। आप सपोज करिए आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मली आपको मेडिसिन दे देंगे, आपका विशेष डायग्नोसिस नहीं करेंगे और इस तरह से बोल दिया जाता है खान पान सुधार लीजिए, आपका ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको गैस्ट्रिक की वजह से आपके कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इफेक्टेड हो सकते हैं, हम आपको इसमें दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें ये स्टमक मेरिडियन से इसमें लाइन दिख रही है। स्टमक मेरिडियन आपके यहां से शुरू हो रही है, देखिए इस तरह से ये चल रही है स्टमक मेरिडियंस, ये देखिए इस तरह से यहां से निकलते हुए पांव में यहां पर खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है तो जहां से मेरिडियंस निकल रही है आपको वहां पर भी पेन हो सकता है, तो आपको गैस्ट्रिक की वजह से, स्टमक की वजह से आपको नी पेन भी हो सकता है, स्टमक की वजह से आपको थ्रोट पेन भी हो सकता है, स्टमक की वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है, स्टमक की वजह से आपको फुट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की वजह से आपको पेट में भी पेन हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकती है, जिसको हम कभी कभी हम एंजाइना पेन भी समझ बैठते हैं, कभी कभी हम लंग्स की कोई प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। लेकिन एक्यूपंक्चर में क्या होता है,
देखिए कितनी अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं, पेशेंट हमें आता है और हमें बताता है डॉक्टर साहब हमारे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो हम बोलते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने जहां पर आपको पेन हो रहा है वहां पर अपना फिंगर रखिए। तो पेशेंट अगर वहां पर फिंगर रखता है तो हम यहाँ पर डायग्नोज करते हैं कि वहां से कौन सा मेरिडियंस गया है और कौन सा पॉइंट्स वहां पर है। तो उस पॉइंट के अनुसार हमें डायग्नोस ये मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर स्टमक मेरिडियन पे उसने पॉइंट पे हाथ रखा है तो इससे डायग्नोस ये हो जाते हैं कहीं ना कहीं इसका स्टमक या तो एक्सेस है, स्टमक में गड़बड़ी चल रही है। तो डायग्नोस का ये बेस्ट फॉर्मूला है, जो कि एलोपैथिक साइंस इस तरह का कोई डायग्नोसिस नहीं करती है। या तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड में भी आपको मोटा मोटा पता लगता है लेकिन ऑर्गन्स का एनर्जी लेवल का कोई उसमें रिपोर्ट आपको नहीं मिलता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर लीवर मेरिडियन के लिए, तो लीवर मेरिडियन भी इसी के साथ देखी गई है। लीवर मेरिडियन इस तरह से हम जाते हैं, ये सारे ले जाते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से अगर किसी पेशेंट ने हमको बोला कि हमारे काफ में बहुत पेन होता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियंस हैं। अब हम किसी पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें काफ में क्रैम्प्स हो रहे हैं, मरोड़ पड़ रहे हैं या हमारे लिए हील पेन हो रहा है, तो हम बोलते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब यूरिनरी ब्लैडर तो यहाँ लगा हुआ है बॉडी में, यहाँ फिट है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, मेरे को तो हील में पेन हो रहा है। तो ये डायग्नोसिस एलोपैथी कभी नहीं कर सकती है। वो डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे हील में आपका ये चेक करिए, इसमें ऐसा हो गया है, इसका एक्सरे करना पड़ेगा, इसमें हील बढ़ गया है, लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गन है, ए डायग्नोसिस रोग की जड़ क्या है, ये डायग्नोसिस एक्यूपंक्चर में हो जाती है। तो दोस्तों हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम जनरल प्रॉब्लम के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम मेडिसिन खाते रहते हैं और हमें बीमारी का पता नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको इस थेरेपी के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से, कि ये भूल कभी आप ना करें। डायग्नोस के बेहतरीन तरीके जो है एक्यूपंक्चर के पास हैं, ऑल वर्ल्ड में एक्यूपंक्चर से बेस्ट डायग्नोसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर आपकी पसंद, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं उससे भी हम डायग्नोसिस करते हैं, आपकी जीभ देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं, आपका फेस देखकर फेस डायग्नोसिस हम करते हैं, आपका रंग देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं, आपके नेल्स को चेक करके हम डायग्नोसिस करते हैं, आपका व्यवहार देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं, आपका टॉकिंग वे, आपका बोलने का तरीका क्या है उससे हम डायग्नोसिस करते हैं। एक्यूपंक्चर में हर बात आपकी बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडी की इमोशंस हैं या हमारी एक्टिविटीज हैं, ये सब हमारे एक्यूपंक्चर में डायग्नोसिस का पार्ट है। इससे हमारे लिए डायग्नोसिस के लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों ये भूल जिसका हमने ये प्रोग्राम का आज के हमने प्रोग्राम का नाम रखा है, एक बहुत बड़ी भूल। तो बहुत बड़ी भूल यही है कि डायग्नोस का बेहतरीन तरीका एक्यूप्रेशर हेल्थ सेंटर में या एक्यूप्रेशर डॉक्टर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास जाएं आप और वहां पर अपना डायग्नोस करवाएं। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो उसके लिए एक Li4 पॉइंट्स होता है, Li4 यहाँ पर ये पॉइंट्स है इस तरह से यहाँ पर पाया जाता है, उस पर उसको एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था। तो डॉक्टरों ने उसके पास एक्सरे भी कराया और उसके कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स भी दी, लेकिन वो जब तक एंटीबायोटिक्स खाते थे और जब तक वो करते थे कोई यूज करेंगे मेडिसिन या ट्यूब वगैरह, उससे उनको काफी रिलीफ मिलता था। लेकिन जब हमारे पास आए तो हमने सबसे पहले हमने देखा किस लोकेशन पर है, तो हमने देखा कि Li4 की लोकेशन पर ये अवशेष उसको है। तो हमने उसका जब Li4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने जैसे उसको एनर्जी को, क्योंकि एक्सेस कंडीशन मानी जाती है हमारे एक्यूपंक्चर में, तो हमने उसको जैसे हमने उसकी एनर्जी को कम किया, बैलेंस किया, तो जैसे ही उसका एक रात के अंदर उसका फोड़ा काफी ठीक हो गया। तो ये डायग्नोसिस इज परफेक्ट डायग्नोसिस बताती है, ये मेरिडियंस बताते हैं कि आपके किस रास्ते में, कौन से ऑर्गन के रास्ते में बाधा आ रही है, रोग आ रहा है, उसी हिसाब से ऑर्गन की पकड़ जल्दी से हो जाती है। तो दोस्तों आप इस तरह की भूल ना करें, बेहतरीन डायग्नोसिस के लिए आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर्स से एक बार कंसल्ट जरूर करें अपनी बीमारी, और चाहे वो आपकी बीमारी फिजिकल हो चाहे वो आपकी मेंटली हो, आप हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं। दोस्तों मैं कल न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें देखा मैंने कि करोड़ों लोग मानसिक रोगों से आज के टाइम में ग्रस्त हैं,
जिसका हमारे हिंदुस्तान में तो क्या वर्ल्ड में मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं है। ओनली सेटिस्फेक्शन तौर पे डॉक्टर गाइड आपको करते हैं, काउंसलिंग आपकी करते हैं, काउंसलिंग के तौर पे आपको मोटिवेट कर दिया जाता है या सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको भयानक से भयानक मानसिक रोगों का सटीक उपचार लाखों क्या करोड़ों लोगों पर किया गया है, अनुभव है और आगे भी किया जाएगा। और आप भी एक बार जरूर अवश्य एक्यूप्रेशर थेरेपी को अपनाएं और अपना अनुभव लोगों में, समाज को और एक्यूप्रेशर योग शोध में, रिसर्च में सहयोग दें। हमारा एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार केंद्र, हिमाचल प्रदेश अर्की। और किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए एक बार जरूर से जरूर हमारे पास संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।